अलीगढ़ में डॉक्टर्स डे के मौके पर आईएमए की ओर से ताला नगरी स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ ने डॉक्टर विधान चंद्र राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में लगभग 100 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर बीसी राय के आदर्शों पर चलते हुए जनमानस की सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर सचिव डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर वाई वी एस गहलोत, डॉक्टर ओपी आहूजा, डॉक्टर लीला आहूजा, डॉक्टर एस जी तिवारी, डॉक्टर एस के जैन, डॉक्टर एल एम अग्रवाल, डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विजय पाल को लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया। आईएमए के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एस पी सिंह, डॉक्टर विजय पाल एवं डॉक्टर विपिन गुप्ता को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर वीना माहेश्वरी, डॉक्टर सायरा महनाज को हेल्थ केयर में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अवार्ड दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर अनुपम आहूजा, डॉक्टर मयूर मनी, डॉक्टर आशीष मित्तल, डॉक्टर विभव वाष्णे, डॉक्टर राजीव वाष्णे, डॉक्टर नवनीत माहेश्वरी, डॉक्टर जॉली वाष्णे, डॉक्टर रूपाली शेखर आदि मौजूद रहे। आज यहाँ हमारी आईएमए आईएपी के सौजन्य से डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया है और इस उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे सीनियर डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज से हों, प्राइवेट डॉक्टर्स हों। तो ये एक अच्छा आई थिंक संकेत है कि सभी लोग एकजुट होकर समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगे हुए हैं और मैं जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, वो हमें सहयोग करें और जहाँ भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, चाहे वो निजी हों सरकारी हों, वो निसंकोच हम तक पहुँचें और स्वास्थ्य लाभ लें। डॉक्टर 1 जुलाई है, डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, नेशनल डॉक्टर्स डे। ये हम डॉक्टर वीसी रॉय की याद में मनाते हैं। तो आज हमने डॉक्टर्स डे पर हमारे आईएमए के जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने आईएमए को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को और मैनकाइंड को इतना कंट्रीब्यूट किया है, सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हमने उनको सम्मानित किया है, उनके कार्यों को सम्मानित किया है, जिससे कि उन्होंने जो कार्य अब तक किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। और इसमें हमने अपने आईएमए की फ्रेटर्निटी से 19 डॉक्टर जो 75 साल से ऊपर के थे उनको सम्मान दिया है और हमने सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी, डीन मेडिकल जेएनएमसी अलीगढ़ डॉक्टर वीना महेश्वरी, चेयरमैन एसपीएम डिपार्टमेंट डॉक्टर सायरा को भी हमने सम्मानित किया है, क्योंकि यहाँ हम अलीगढ़ आईएमए हाउस पर पीएचसी शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अपने जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ भेजेंगे। हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर पीएचसी शुरू होगी और वो यहाँ के जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, उनको देखा करेंगे, उनको इलाज दिया करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा सभी डॉक्टर से कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरे इसी तरह से पूरे अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, करते रहिए, मैनकाइंड की सेवा करते रहिए, जिससे कि हम सभी गौरवान्वित हों और हमें आपको सम्मान देने में गौरव महसूस हो और हम सभी मिलकर मैनकाइंड को जितनी सेवाएँ दे सकते हैं अपनी तरफ से वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमने आज यहाँ एक कैंप का आयोजन भी किया है जिसमें हम यहाँ के जो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उन सबको हम देख रहे हैं, उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी ब्लड शुगर की जांच फ्री कर रहे हैं और जिसको भी जो परेशानी निकल के आ रही है उसको हम उसके बारे में समझा रहे हैं, हम हाइजीन के बारे में समझा रहे हैं। इसी तरह से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे को मनाने के पीछे कारण ये है कि हमारे समाज के सबसे बड़े चिकित्सक के रूप में डॉक्टर वीसी रॉय हुए थे, जिनका जन्म भी 1 जुलाई को था और उनकी मृत्यु भी 80 साल की उम्र में 1 जुलाई को ही हुई थी। वो डॉक्टर होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल उस समय हमारा स्टेट था, उसके मुख्यमंत्री रहे, 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इतने अधिक सेवा कार्य किए जिसकी वजह से जनता उनको याद करती है और मेडिकल फैकल्टी भी उनको याद करती है और उन्हीं के याद स्वरूप हमारे पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स डे का दिन आज डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे के रूप में मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है कि मेडिकल प्रोफेशन के लोग, समाज के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करें, कैसे उनकी सेवा करें, जिसमें गरीब और असहाय भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं और हर तरह के लोग होते हैं। खास तौर से जो वंचित वर्ग है, जिसके पास आर्थिक तंगी है और उसकी वजह से वो इलाज से वंचित रह जाता है, उनकी तरफ हमें विशेष
ध्यान देकर उनका कार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति इस तरीके से काम करेगा तो समाज का उत्थान होगा और स्वस्थ भी बने रहेगा। ये मेरा संदेश है सभी डॉक्टर्स के लिए कि वो अपने अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी निर्वाह करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार वार्ष्णेय कुमार नर्सिंग होम अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे का दिन है। मैं आप सभी को डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जो मेरे करियर में मेरा एक पार्ट रहे मुझे डॉक्टर बनने में, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज सुबह से मेरे पास काफ़ी सारी बधाइयाँ आई हैं डॉक्टर्स डे की, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ अब तहे दिल से। ये डॉक्टर, ये सारी बधाइयाँ मुझे प्रेरित करती हैं एक निष्ठावान काम करने के लिए। मैं आगे अग्रसर करूँ, एक बढ़िया काम करूँ, सोसाइटी के लिए बढ़िया काम करूँ, मरीजों के लिए अच्छा काम करूँ, इसकी प्रेरणा मुझे देते हैं। और मैं आशा करता हूँ मैं अपने मरीजों के लिए बहुत बढ़िया इलाज करूंगा और अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। धन्यवाद। सभी अलीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजुला भार्गव, शहर की गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स डे हम लोग डॉक्टर बीसी रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाते हैं और डॉक्टर्स डे पर वैसे तो डॉक्टर्स का हर दिन डे होता है और डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जाता है। हालांकि आज के टाइम में थोड़ा सा डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बिगड़ गया है क्योंकि जब से कंज्यूमर फोरम आया है, बट मैं अभी भी मरीजों से अपील करती हूँ कि अपने डॉक्टर्स में पूरा फेथ करें और उनके विश्वास में अपना इलाज कराकर खुद भी फायदे में रहेंगे और डॉक्टर्स को भी शांति से रहने देंगे। थैंक यू।